इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा इसमें टेक्सचर आया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। ये इंडिया की ट्रेडिशनल डिश है और इसको सभी फेस्टिवल पे बनाया जा सकता है, खासकर जब गणेश उत्सव होता है तो इसे जरूरी बनाया जाता है। आज हम इसको जिस तरह से बनाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। सबसे पहले इसे हम कढ़ाई में भूनेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे बेसन। बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसको हमें लगातार चलाते हुए भुनना है, नहीं तो तले से ये जल जाएगा और फिर जले की जो स्मेल आती है वो जाती भी नहीं है। ये देखिए इसको मैं लगातार चलाते हुए भुन रही हूँ। अभी मैंने इसमें घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, अभी हम सिर्फ बेसन को भुन रहे हैं। बेसन जब भुनने लगता है तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है और साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अभी इसमें खुशबू थोड़ी थोड़ी ही आ रही है, इसलिए अब इसको हम थोड़ी देर और सेकेंगे। अभी इसका कलर भी देखिए चेंज नहीं हुआ है। ये बेसन अच्छे से भुन गया है, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना है और इसको भुनते हुए लगभग 10 मिनट मुझे हो गए हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी घी। घी के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घी और बेसन अच्छे से मिल गए हैं। इसमें लगभग मैंने 3/4 कप जितना घी डाला है। इसमें जो छोटी छोटी गुटलियां दिख रही है ये इसमें नहीं होनी चाहिए। इसको हमें लगातार चलाते रहना है लो फ्लेम पे लगभग 1 मिनट के लिए। इससे ये सारी गुठलियां इसमें खत्म हो जाएंगी। लगभग 1 मिनट हो गया है, इसमें सारी गुठलियां भी खत्म हो गई है। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी इलायची का पाउडर। ये मैंने 4-5 इलायची ली है, उसको दरदरा पीस लिया है। इसको भी इसमें हम मिलाएंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इलायची का अपना एक अलग ही फ्लेवर इसमें आता है। और साथ में मैं डालूंगी कुछ दरदरे पिसे हुए बादाम। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या आप चाहें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें मिला सकते हैं। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर और बेसन को हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 3/4 कप जितना पाउडर्ड शुगर ऐड किया है। अब इसको इस तरह से दबाते हुए अच्छे से हम मिलाएंगे। मिलाते समय ध्यान रखें आप इसको हाथों से ना मिलाएं, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसको इस तरह से दबाते हुए किसी करची या चम्मच से आप मिलाएं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसका लड्डू बनाएंगे। आप चाहें छोटा या बड़ा कोई भी साइज में इसको बना सकते हैं। ये सभी लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको पिस्ते से गार्निश कर देंगे। इन सभी को मैंने पिस्ते से गार्निश कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना बाजार जैसे। इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा इसमें टेक्सचर आया है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।